तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 6, ठीक, कितना, कक्षा 6, और हमारे पाठ का नाम रहेगा सारस की शिक्षा। सारस की शिक्षा पाठ है हमारा तीसरा, ठीक, लेसन 3 है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक गांव के पास, और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें एक सीख मिलेगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, चाहे आप कक्षा 6 में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, पीएचडी में हो, सभी के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। एक गांव के पास एक खेत में सारस, सारस एक पक्षी है जो कि इंग्लिश में इसे क्रेन कहा जाता है, ठीक, और यह जम्मू कश्मीर के इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, लद्दाख के इलाके में। तो एक गाँव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था, ठीक, दो जोड़े रहते थे, वहीं उनके अंडे थे, वहीं पे उनके अंडे थे, खेत में अंडे थे, अंडे दिए थे, अंडे बड़े और समय पर उनसे बच्चे निकल गए, अंडे धीरे धीरे बड़े हो गए और उन अंडों से सारस के बच्चे निकल गए, ठीक। लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले खेत की फसल पक गई थी, यानी कि जिस खेत में ये सारस ने जो बच्चे दिए थे, इस खेत की फसल जो है पक गई थी, ठीक, ये खेत पक चुका था, धान की फसल पक गई थी। किसान खेत काटने आए, इससे पहले ये जो किसान है ये खेत काटने आए, उससे पहले क्या है, उससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, पर बच्चे उड़ सकने के लायक नहीं थे, ठीक, बच्चे उड़ नहीं सकते थे, सारस का जो बच्चे हुए थे अंडे से, उनसे वे उड़ नहीं सकते थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। सारस के जो बच्चे थे उनको कहा सारस ने कि जब हम लोग दाना चुनने के लिए जाएंगे, आपके लिए दाना लाने के लिए, ठीक, उस समय आप लोग जब खेत में रहेंगे तो सुनना कि खेत में कौन आ रहा है और क्या बोल रहा है। एक दिन जब सारस चारा लाने के लिए शाम को बच्चों के पास लौटा, चारा लाकर जब शाम को बच्चों के पास लौटा, तो बच्चों ने कहा, आज जो है आज खेत का किसान आया था, वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को देखता रहा, घूरता रहा। वह कहता था कि खेत अब कटने योग्य हो गया है, आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरा खेत कटवा दें, ठीक, यह किसान बोल रहा था कि आज मैं अपने गांव के लोगों को बोलूँगा कि मेरा खेत कटवा दें, ठीक। ये सभी बातें जो हैं सारस के बच्चे ने सारस को बतलाया, उनके जो बच्चे खेत में जन्म लिए थे अंडे से, उन सभी बच्चे बोल रहे थे अपने माता पिता को, सारस को। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत बच्चों, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है, ये सारस ने कहा अपने बच्चों से, ठीक। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया, कई दिन बाद बीत गए, उसके बाद सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे, सारस के बच्चे घबराए हुए थे, वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए, आज किसान फिर आया था, वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते, कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूँगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है किसान कि मेरे गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे मेरा खेत नहीं कटवा देते, अब की बार मैं अपने भाइयों को लाऊंगा और खेत कटवा दूंगा। ये जब किसान बोल रहा था खेत में आकर, तब सारस के बच्चे ने सुन लिया था, और सारस के बच्चे अपने माता पिता यानी कि सारस को बता रहे थे, ठीक। क्रेन, सारस को इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, और यह लद्दाख का राष्ट्रीय पक्षी भी है और जम्मू कश्मीर का भी। सारस बच्चों के पास निश्चित होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटता नहीं, दो चार दिन तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, सारस ने कहा अपने बच्चों से, ठीक।
अभी 2-4 दिन और लगेंगे खेत कटने में, क्यों कहा आगे जानेंगे। कई दिन और बीत गए, सारस के बच्चे उड़ने लगे थे। अब कई दिन बीत चुका था और सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे, वे अब डर से डरते नहीं थे कि किसान आएगा तो क्या होगा। ठीक, एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है। सारस के बच्चे बोल रहे थे कि किसान डेली आता है और झूठ मूठ कर डराता है कि आज खेत काटेंगे कल खेत काटेंगे, और खेत काटता नहीं है, ये बोल रहे थे सारस के बच्चे। ठीक, इसका खेत तो कटेगा नहीं, वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, अब बहाना बनाते हैं, सब बहाना बनाते हैं, मेरी फसल का अन्न सूख कर झर रहा है, कल बड़े सवेरे आऊँगा और खेत काटूँगा, यह बोल रहे थे किसान आज जब खेत में आया था तो। ठीक, ये सारी बातें सारस के बच्चे ने सुन लिया था और सारस को बतला रहा था। सारस घबरा कर बोला, सारस के जो माता पिता थे, बच्चों के माता पिता यानी कि बड़े सारस, ठीक, वो बोले चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कटेगा। बच्चे बोले क्यों, ठीक, सारस के जो बच्चे थे वो बोलते हैं क्यों, तब इस बात का उत्तर सुनिए, इस बार खेत कटेगा, यह कैसे, सारस ने कहा। क्या बोल रहा है सारस ने, जब किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी, जो दूसरों के भरोसे, यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका नहीं रहता, उसका काम निश्चित रूप से होता है। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, तो इस कहानी से हमें सीख मिली सारस की शिक्षा से कि कोई भी व्यक्ति जब स्वयं के भरोसे में कोई कार्य करता है, कोई काम करता है, तो उसका काम निश्चित रूप से होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर दूसरों के भरोसे पर अपना काम को थोपता है, दूसरों पर थोपता है कि वह मेरा काम कर देगा, तो उसका काम हो या ना हो यह संदेह में रहता है, लेकिन जो काम अपना स्वयं करते हैं उसका काम निश्चित रूप से होता है। इसलिए सारस के पाठ की शिक्षा हमें लेनी चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब आइए हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास, इसे इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है यानी कि सीरियल नंबर, कथन यानी कि स्टेटमेंट, सहमत हैं या असहमत हैं ये आपको बताना है, और क्यों, ठीक, क्यों सहमत है वो भी बताना है। तो आइए क नंबर, नंबर क, अपना काम स्वयं करना चाहिए, हाँ इससे हम सहमत हैं, अपना काम स्वयं करना चाहिए, सहमत हैं, क्यों, क्योंकि जो अपना काम करते हैं उसका काम निश्चित रूप से होता है। ख नंबर, स्वयं काम करने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं, हाँ इसमें भी सहमत हैं, सफल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका काम निश्चित रूप से होता है, ये दूसरे पर भरोसा नहीं करते। सबका जो आंसर होगा वो एक जैसा ही होगा। ग, दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति की सफलता में संदेह बना रहता है। ठीक, ये बात सही है, हाँ बिल्कुल सहमत हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। घ नंबर, जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होते हैं उन पर लोग भरोसा करते हैं, नहीं, जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होते हैं उन पर हम भरोसा नहीं करते, ये काटकुट, क्यों, क्योंकि इनका काम संदेह में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि होगा या नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होता है। ठीक, अंग नंबर, आपको अपने कार्य के लिए हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना चाहिए, नहीं कभी नहीं, दूसरों पर हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा काम निश्चित रूप से होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते, क्योंकि यह उसकी मनोवृत्ति पर
निर्भर करता है कि उसका मन क्या कर रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं तो हमारा दो नंबर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर टू, तुम लोग डरो मत, अभी खेत नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। सारस ने विश्वास के साथ ऐसा क्यों कहा? क्योंकि किसान जो है दूसरों को बोल रहा था, गांव वालों को बोल रहा था, अपने भाई को बोल रहा था। ठीक, इसलिए किसान की बातों से वह समझ गया पक्षी कि यह व्यक्ति दूसरों पर आश्रित है, इसलिए इसका काम होगा या नहीं होगा यह संदेह में है। इस कहानी का संदेश क्या है? तो इस कहानी का मुख्य संदेश है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक, इस कहानी का मूल संदेश यही है, अपना काम स्वयं करें, अपो दीप भव, अपना दीपक स्वयं बने। ठीक, यही कहानी का मूल उद्देश्य है। उसके बाद इस सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रख जाता है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। अपने जीवन की एक ऐसी घटना को बताइए जब आपने अपना कार्य स्वयं किया, तो ये आपको बताना है। यदि हम अपने कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? तो देखिए, दूसरों पर हम आश्रित रहेंगे तो पहले बात हो सकता है कि वह आपका काम करे या ना करे, उसकी मनो फिर उसका मन कैसा कर रहा है ये डिपेंड है। दूसरा, पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, और चौथा, संदेह में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। छठा, अपना कार्य स्वयं करने से खुशी मिलती है और वह कार्य पूरा भी होता है। ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसे स्वयं करने पर स्वयं करने पर आपको खुशी मिलती है। तो मुझे तो खुशी मिलती है पढ़ने में और अपना काम करने में, साथ ही YouTube के वीडियो बनाने में आपके लिए। सेवन नंबर, देखिए सेवन नंबर इम्पोर्टेंट है, स्वावलंबन कब और क्यों, इस विषय पर अपने वर्ग शिक्षक पर चर्चा करें। देखिए, वर्ग पर चर्चा करें। स्वावलंबन का मतलब होता है जो अपना काम स्वयं करे। ठीक, सेल्फ सपोर्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ सपोर्टर, जो अपना सपोर्ट स्वयं करे। ठीक, पिछली कक्षा में चार सबसे यादगार पल को लिखिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस पाठ का मूल उद्देश्य यही था कि अपना काम स्वयं करें, अपना दीपक स्वयं बने। ठीक, दूसरों पे भरोसा मत करें कि वह आपका काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस पाठ को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।